नाकाबंदी क्यों की गई है? आज वैसे बोले कि हम छोड़े गए हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं भी यहीं पे था, इधर गाड़ी कोटा बॉर्डर पे मैं भी खड़ा था। आपको एक जगह दी गई थी, आपको वहां तक आना था, वहां से यू टर्न लेके आपको परेड के लिए पूरी दिया गया था, इतना रूट है आपका। आपने बैरिकेड तोड़े, मेरे सामने की बात है, आप आगे आए, दिल्ली पुलिस का जवान नीचे गिरा था, उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करी, मैंने आपने आंखों से देखा, तब दिल्ली पुलिस ने पहला आंसू रोक लिया। दूसरी बात, ये देश हमारा है, हम हमारा मतलब हम शांतिपूर्ण आंदोलन कहीं भी निकाल सकते हैं, रोड मैप देना क्या जरूरत है इसमें? देखिए दिल्ली हमारी नहीं है क्या? ये किसान को समझना चाहिए, किसान ने आत्मनिर्भरता दिया देश को। सबसे पहले हमारा देश आत्मनिर्भर बनाया किसान ने, खाद्यान्न में, और किसी भी सेक्टर में आत्मनिर्भर नहीं है, इंपोर्ट होती है जगह जगह चीज, खाली अगर जो फसल है खाद्य पदार्थ है यहाँ के किसान पैदा करता है। आप इस चीज को देखिए, किसान अपने बॉर्डर को शहीद भी करता है बेटा, और उसको आज लाल आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन आप बोले शांतिपूर्वक हुई, तो किसान को क्या जरूरत थी लाठी और तलवार लेके चलने की? इसका जवाब देंगे हम जब शांतिपूर्ण किसान चल रहा है, तो पुलिस ये आंसू गैस के गोले क्यों इकट्ठे करके रख रखे हैं इसने? ये पब्लिक पुलिस को पता है, दो महीने से शांतिपूर्ण हुआ। नाकाबंदी कर रखी है तो किसान तो होगा ही, और देखिए लाल किले पे इसमें कोई उस पर ना ले सरकार अपने मतलब एक एटीट्यूड की तरह ना देखे, लाल किले पर फहरा दे क्या है, उसको गर्व होना चाहिए, किसान का झंडा फहर रहा है वहाँ। भाई आपके देश का किसान है, आपके देश के लिए इसने क्या नहीं किया? अपना बेटा बॉर्डर पे देता है, अपना एक दूसरा बेटा फसल देता है, इसका इसको खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता दी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से 12 बजे से लेकर 5 मिनट तक का ये परेड समय था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई किसानों की तरफ से, कहीं जो है गैस के गोले दागे गए हैं, इसी वजह से दागे गए हैं, तो कोई पत्रिकियाँ होती है, झंडा फहरा दिया गया वहाँ पर। देखिए सात्मक तस्वीरें अगर हो, 2 महीने से आप आंदोलन चल रहा है, किसान की साथ चाहिए कहीं भी हिंसा देखने को नहीं आ, लेकिन अगर इस रोड पे चल रहे हैं किसान, और जरूरी है थोड़ा रोड मैप पे इधर उधर भी होते हैं, जरूरी है वो रोड, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, 26 जनवरी सब अपने घर पे हैं, छुट्टी है, किसी पब्लिक को दिक्कत नहीं हो रही, इधर उधर हो रहे हैं, तो उसमें मतलब क्या इशू है? किसान तो कहीं से भी जाता रहे, मतलब प्रदर्शन करना उसे, शक्ति प्रदर्शन कहीं भी करें, तो क्या लग रहा है कि आज की परेड से जो है बिल्कुल आपका सुपर थोड़ा सा? देखिए सरकार को पता होना चाहिए कि कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है उसके सामने, ये जनव्यापी आंदोलन हो चुका है, घर घर में आंदोलन हो चुका है, हर किसान इसके साथ है, कोई जो चंद के साथ सरकार बहका रही थी कहाँ है वो? कहीं भी नहीं है। आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में ट्रैक्टर है, और अभी तो नाकाबंदी, अगर ये चाहें किसान नेता कहें जगह जगह नाकाबंदी करा सकते हैं पूरे देश में, लेकिन देश का नुकसान होगा, सरकार को ये बात समझनी चाहिए, किसान के बिल जल्दी से जल्दी वापस करने चाहिए। आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर आगे जाएगा? ये तो चाहते हैं आंदोलन खत्म हो, सरकार नहीं चाहती, सरकार आंदोलन खत्म नहीं करना चाहती है। इतने 2 महीने हो गए, आप देख रहे हो ठंड में, बारिश में, बारिश भी पड़ गई बीच में, किसान वहाँ मैंने पूरा कवर बाय रनिंग और बाय पहिए के थ्रू किया, और जगह जगह मैंने कवर किया है, लोगों को इंस्पायर किया है, लोगों को आंदोलन के नारे दिए जगह जगह। मेरे साथ इस तरह से कोई नहीं था, मैंने सिर्फ अकेले किया, मेरा ट्रैक्टर साइड में चल रहा था, कभी मैं ट्रैक्टर के आगे हो जाता था, कभी पीछे हो जाता था, तो ट्रैक्टर में ही सामान था जो भी था, तो मैंने ट्रैक्टर का बिल्कुल सहारा नहीं लिया, पूरा मैं रेड फोर्ट तक गया हूँ। तो पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है आंदोलन को, क्या लग रहा है कि अब इसके बाद ये बिल वापस होंगे, इसका समर्थन कर रहे हैं आप लोग, बिल वापस का समर्थन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल बिल वापिस होने चाहिए, बिल्कुल किसान हित में है नहीं, किसान विरोधी बिल है, जो उद्योगपति के हित में साफ दिख रहा है, तो बिल्कुल नाम दे दिया है किसान बिल, तो उद्योगपति बिल होना चाहिए, तो वापस होंगे। आज हमने अपना किसान यूनियन का झंडा फहराया है हेड फोन पर, जिन चंद किसानों को एक सरकार इस देश को बताना चाह रही थी, इस देश को गुमराह करना चाहती, चंद किसान है, बाकी सारे किसान, आज देखिए किसानों की कितनी तादाद हमारे साथ है, लाखों में ट्रैक्टर रेड फोन पर है, और देखिए झंडा फहराया उधर हमने, और किसान